हेलो एवरीवन, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन मेडिकल पल्स नीट चैनल। सो एवरीवन, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फिजिक्स क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो इस क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ को आप लोग हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक को ज्वाइन करके इसको आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। तो आज जैसा कि आज क्या है, आज 5 जून है और 5 जून को क्या है, इन्वायरमेंट डे है। तो सबसे पहले आप सभी को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आज 5 जून है और आज के दिन क्या होगा, यूपी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम का जो है एडमिट कार्ड आज जारी होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आज भी जो है यूपी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वह आज जारी करने को बताया गया है। तो आप लोग बार बार वेबसाइट को विजिट करते रहिएगा, हो सके आपका एडमिट कार्ड जो है शाम के 8 बजे से पहले आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए। तो जैसे ही जारी होगा हम आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, शक्ति की दृष्टि से न्यूनतम प्रबलता की अन्योन्य क्रिया है। फर्स्ट ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय, सेकेंड है नाभिकीय, थर्ड है गुरुत्वीय एंड लास्ट ऑप्शन है मंद अन्योन्य क्रिया। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, गुरुत्वीय। अगला प्रश्न है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसआई यूनिट। फर्स्ट ऑप्शन है एम्पियर, सेकेंड है कैंडला, थर्ड ऑप्शन न्यूटन एंड लास्ट ऑप्शन है केल्विन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, न्यूटन। न्यूटन जो है वह एसआई मात्रक नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले बल की प्रकृति कैसे होती है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल नाभिकीय, सेकेंड है केवल विद्युत चुंबकीय, थर्ड है केवल गुरुत्वीय एंड लास्ट ऑप्शन है गुरुत्वीय एवं विद्युत चुंबकीय दोनों। तो किसी परमाणु में एटम में प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स लगता है वह उसकी प्रकृति जो होती है वह गुरुत्वीय एवं विद्युत चुंबकीय दोनों टाइप की होती है। ऑप्शन डी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच लगने वाले अन्योन्य क्रिया की प्रकृति होती है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल गुरुत्वीय, सेकेंड है केवल विद्युत चुंबकीय, थर्ड है नाभिकीय एवं विद्युत चुंबकीय एंड लास्ट ऑप्शन है गुरुत्वीय एवं नाभिकीय। तो न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन के बीच लगने वाली अन्योन्य क्रिया की जो प्रकृति होती है वह गुरुत्वीय एवं नाभिकीय होती है। अगला प्रश्न है, यदि सभी पदार्थ केवल न्यूट्रॉन जैसे विद्युतीय रूप से उदासीन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कणों से मिलकर बने होते तब क्या होता। फर्स्ट ऑप्शन है घर्षण का अस्तित्व नहीं होता, सेकेंड है डोरी में तनाव नहीं होता, थर्ड है स्प्रिंग बल का अस्तित्व नहीं होता एंड लास्ट ऑप्शन दिया है इनमें से सभी कथन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी वाला, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न है, घर्षण बल लगता है अपेक्षित गति की। फर्स्ट ऑप्शन है दिशा में, सेकेंड है दिशा के विपरीत, थर्ड है दिशा के लंबवत एंड लास्ट ऑप्शन है दिशा के साथ किसी भी कोण पर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, दिशा के विपरीत। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है समय का, सेकेंड है दूरी का, थर्ड है वेग का एंड लास्ट ऑप्शन है प्रकाश की तीव्रता का। तो यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम यूपीएससी नर्सिंग के प्रीवियस ईयर एंट्रेंस एग्जाम 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, दूरी। प्रकाश वर्ष और पारसेक जो होते हैं क्या है, दूरी के मात्रक है। अगला प्रश्न है, चरम घर्षण स्थिर घर्षण की अपेक्षा कैसा होता है। चरम घर्षण जो है स्थिर घर्षण का न्यूनतम मान है, सेकेंड है महत्तम मान है, थर्ड है 2 गुना एंड लास्ट ऑप्शन है आधा। तो चरम घर्षण जो होता है वह स्थिर घर्षण का महत्तम मान होता है। अगला प्रश्न है, म्यू एस अपान म्यू के का मान क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है 1 से अधिक, सेकेंड है 1 से कम, थर्ड है 1 के बराबर एंड लास्ट ऑप्शन है 0। तो म्यू एस अपान म्यू के का मान जो है वह 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, नाभिक की त्रिज्या 10^-15 मीटर कोटि की है, इसे व्यक्त करने के लिए उपयुक्त मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है माइक्रॉन, सेकेंड है मिलीमीटर, थर्ड एंगस्ट्रॉम एंड लास्ट ऑप्शन है फर्मी। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, फर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर्षण गुणांक है एक बीमाहीन राशि, एक जिसकी बीमा MLT-2, थर्ड ऑप्शन 2 संस्पर्श सतहों कॉन्टैक्ट सर्फेसिस के बीच लगने वाला घर्षण बल है एंड लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो घर्षण गुणांक जो है एक प्रकार की एक बीमाहीन राशि है, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। फर्स्ट ऑप्शन है कैंडला, सेकेंड है किलोग्राम, थर्ड है न्यूटन एंड लास्ट ऑप्शन है मीटर। तो एक व्युत्पन्न मात्रक जो होगा वह न्यूटन होगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है।
अगला प्रश्न है, यदि अभिलंब बल दोगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है दोगुना हो जाएगा, सेकंड है चौगुना हो जाएगा, थर्ड है समान रहेगा, एंड लास्ट ऑप्शन है आधा हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला, समान रहेगा। अगला प्रश्न है, सरल रेखा में गतिशील ब्लॉक का संवेग p समय के फलन में पी इक्वल टू ए टी स्क्वायर प्लस बी द्वारा व्यक्त है, जहां ए तथा बी धनात्मक नियतांक है, ब्लॉक की गति में है। फर्स्ट ऑप्शन है नियत वेग, सेकंड है नियत त्वरण, थर्ड है परिवर्ती त्वरण, एंड लास्ट ऑप्शन है परिवर्ती मंदन। तो ब्लॉक की गति जो है वह परिवर्ती त्वरण में है, ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, संतुलन के लिए आवश्यक है, फर्स्ट ऑप्शन है संवेग का शून्य होना, सेकंड है त्वरण का शून्य होना, थर्ड है वेग का शून्य होना, एंड लास्ट ऑप्शन है गतिज ऊर्जा का शून्य होना। तो संतुलन के लिए जो है त्वरण का शून्य होना आवश्यक है, ऑप्शन बी वाला करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, रॉकेट प्रक्षेपण जिस सिद्धांत पर आधारित है वह है, फर्स्ट ऑप्शन है नाभिकीय संलयन, सेकंड है नाभिकीय विखंडन, थर्ड है न्यूटन का गति नियम, एंड लास्ट ऑप्शन है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला, न्यूटन का गति नियम। तो न्यूटन की गति नियम पर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा, प्रथम नियम सेकंड नियम। तो प्रथम नियम जो है विराम के जड़त्व का नियम है, तो पूछा था कि बस में खड़े यात्री अचानक ब्रेक लगने पर पीछे की ओर गिर पड़ते हैं, तो किस कारण? तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वह हो जाएगा विराम के जड़त्व के कारण। अगला प्रश्न है, 10^6 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का दाब किसके बराबर है? फर्स्ट ऑप्शन है 10^7 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सेकेंड है 10^6, थर्ड है 10^5, एंड लास्ट ऑप्शन है 10^4। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 10^5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% घट जाए तो स्माल जी के मान में क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 1% की वृद्धि, सेकेंड है 2% की वृद्धि, थर्ड है 2% ह्रास, एंड लास्ट ऑप्शन है 1% ह्रास। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला, 2% की वृद्धि होगा। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का अपने अक्ष के पारिता कोणीय वेग ओमेगा 2 गुना हो जाए तो ध्रुव पर स्थित किसी वस्तु का भार क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन 2 गुना, सेकंड है आधा, थर्ड है 0, एंड लास्ट ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अपरिवर्तित रहेगा, अनचेंज फॉर्म में रहेगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान समान रखते हुए किसी गोलीय खोल की त्रिज्या आधी हो जाने पर केंद्र पर गुरुत्वीय विभव क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वृद्धि होगा, सेकंड है ह्रास, थर्ड ऑप्शन है कोई परिवर्तन नहीं, लास्ट ऑप्शन है परिवर्तन। तो केंद्र पर गुरुत्वीय विभव में जो होगा वह ह्रास होगा, यहाँ पे क्या होगा गुरुत्वीय विभव में लॉस होगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गिर्द किसी वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले 2 ग्रहों के लिए क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है समान द्रव्यमान, सेकंड है समान गतिज ऊर्जा, थर्ड है समान कोणीय संवेग, एंड लास्ट ऑप्शन है समान रैखिक वेग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला, समान रैखिक वेग। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमाएं हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है m-1, l³, t^-2, क्या है गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा है। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी वर्तमान दूरी के मान की आधी हो जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जिस गुणांक से बढ़ जाएगा वह है? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड है 4, थर्ड ऑप्शन है 1/2, एंड लास्ट ऑप्शन है 1/4। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला, 4। अगला प्रश्न है, किसी खोखले गोले के भीतर किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षणीय विभव क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेकेंड है केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, थर्ड ऑप्शन है केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें कोई सही नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला, केंद्र से बिंदु के बीच की दूरी पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न, एक गोलीय खोल के भीतर किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता होती है, फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड अनंत, थर्ड है वही जो बाहरी सतह पर, एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, 0। अगला प्रश्न है, ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन है अनंत, सेकेंड है 0, थर्ड है वही जो बाहरी सतह पर होती है, लास्ट ऑप्शन है इनमें कोई नहीं।
तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे शून्य। अगला प्रश्न है, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन समरूप नहीं रहता है, सेकंड समरूप रहता है, थर्ड शून्य रहता है, लास्ट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला समरूप रहता है। अगला प्रश्न है, यदि आकार में बिना किसी परिवर्तन के पृथ्वी का द्रव्यमान उसके अभी के मान से चौगुना हो तो किसी वस्तु का प्लैन वेग जिस गुणांक से बढ़ जाएगा वह है? फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकेंड 4, थर्ड 8 एंड लास्ट ऑप्शन दिया यहाँ पे 16। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 2। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से ऊंचाई पर इसके चारों ओर किसी वस्तु को जिस चाल से घूमना चाहिए वह है? फर्स्ट ऑप्शन है अंडर रूट आर जी अपान आर प्लस एच, सेकेंड अंडर रूट आर टू जी अपान आर प्लस एच, थर्ड अंडर रूट आर अपान एच एंड लास्ट ऑप्शन अंडर रूट आर प्लस एच अपान जी। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला अंडर रूट आर टू जी अपान आर प्लस एच, ऑप्शन बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 50 किलोग्राम है, एक घूमते हुए उपग्रह में इसका आभासी भार क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 50 किलोग्राम, सेकेंड है शून्य, थर्ड है 50 किलोग्राम से अधिक एंड लास्ट ऑप्शन है 50 किलोग्राम से कम। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला शून्य। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए उपग्रह सैटेलाइट का कक्षीय वेग प्लैन वेग इसके वेलोसिटी बी हो तो बी अपान ई बराबर होता है? फर्स्ट ऑप्शन 1 के, सेकेंड है 1/2 के, थर्ड 1/√2 के एंड लास्ट ऑप्शन है अनंत के। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला 1/√2 के क्या होगा इक्वल होगा। अगला प्रश्न, द्रव्यमान कैपिटल एम तथा त्रिज्या कैपिटल आर के किसी ठोस गोले के केंद्र पर गुरुत्वीय विभव क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है विभव एवं तीव्रता दोनों शून्य होते हैं, सेकेंड है तीव्रता एवं विभव दोनों अशून्य होते हैं, थर्ड है तीव्रता शून्य परंतु विभव -3gm/2r होता है एंड लास्ट ऑप्शन है तीव्रता शून्य परंतु विभव -gm/r होता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला तीव्रता शून्य परंतु विभव जो है -3gm/2r होता है। अगला प्रश्न, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर तथा गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी हो तो पृथ्वी की सतह से प्लैन वेग क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है r/g, सेकेंड है 2r/g, थर्ड है √2r/g एंड लास्ट ऑप्शन है 2r/g। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी वाला √2R/g। अगला प्रश्न है, एक पिंड अनंत से पृथ्वी की ओर गिरता है, पृथ्वी को स्पर्श करने से पूर्व मतलब पहले इसका वेग क्या होगा? यहाँ r = पृथ्वी की त्रिज्या एंड g = ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन गुरुत्वीय तोड़ दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है gr, सेकेंड है 2gr, थर्ड है 4gr एंड लास्ट ऑप्शन है √2G/r। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला √2G/r। अगला प्रश्न है, किसी गोलाकार उपग्रह से प्लैन वेग स्मॉल जी है तब किसी दूसरे उपग्रह जिसकी त्रिज्या दोगुनी हो वी ओ तथा औसत घनत्व आधा हो प्लैन वेग क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है वी ओ अपान √2, सेकेंड है 2√2 वी ओ, थर्ड ऑप्शन है 2 वी ओ एंड लास्ट ऑप्शन है 4 वी ओ। तो आप लोग इसको जो है वी नॉट भी पढ़ सकते हैं एंड ओ भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला √2V0। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमण करते हुए उपग्रह की गतिज ऊर्जा E है, उपग्रह को पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से मात्र प्लान करने के लिए उसे दी जाने वाली न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा क्या होगी? फर्स्ट ऑप्शन है 2 eK, सेकेंड है eK, थर्ड eK/2 एंड लास्ट ऑप्शन है eK/4। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला eK, जो आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा होगी वह eK होगा। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, पृथ्वी के किसी भी स्थान से ऊपर प्रतीत होने वाला संचार उपग्रह है? फर्स्ट ऑप्शन है, सेकेंड है केवल विषुवत रेखा इक्वेटर पर पड़ने वाली किसी स्थान से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है,
थर्ड पृथ्वी की ध्रुव से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित रहता है। एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी वाला, भू स्थिर उपग्रह जो है केवल विषुवत रेखा पर इक्वेटर प्लेन पर पड़ने वाले किसी स्थान से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। अगला प्रश्न है, केपलर का तृतीय नियम बताता है कि सूर्य के पारिता किसी ग्रह के परिक्रमण काल के लिए कौन सा सूत्र जो है लागू होगा। फर्स्ट ऑप्शन है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब, सेकेंड है टी प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर, थर्ड है टी प्रोपोर्शनल आर क्यूब अपान फोर, एंड लास्ट ऑप्शन है टी प्रोपोर्शनल स्मॉल आर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व के बजाय पूर्व से पश्चिम की ओर घूमना शुरू कर दे तो 8 का मान विषुवत रेखा पर क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन बढ़ जाएगा, सेकेंड है घट जाएगा, थर्ड पूर्ववत रहेगा, एंड लास्ट ऑप्शन शून्य हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला पूर्ववत रहेगा। अगला प्रश्न, एक मनुष्य लिफ्ट में खड़ा है जो कि लिफ्ट जो है नियत त्वरण से ऊपर की ओर क्या हो रही है जा रही है, तब मनुष्य का आभासी भार क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है उसके वास्तविक भार से कम, सेकेंड है उसके वास्तविक भार के बराबर, थर्ड है उसके वास्तविक भार से अधिक, एंड लास्ट ऑप्शन है शून्य। तो ऊपर की ओर जा रही है तो जो आभासी भार होगा मनुष्य का वह उसके वास्तविक भार से अधिक होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, नियत त्वरण से नीचे की ओर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है नीचे आ रहा है लिफ्ट नीचे की ओर जा रही लिफ्ट में खड़े एक मनुष्य का भार क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है उसके वास्तविक भार से कम, सेकेंड है उसके वास्तविक भार से अधिक, थर्ड है उसके वास्तविक भार के बराबर, एंड लास्ट ऑप्शन है शून्य। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला उसके वास्तविक भार से कम। अगला प्रश्न, एक मनुष्य लिफ्ट के फर्श पर रखी तौलने वाली मशीन पर बैठा है और मशीन का पाठ्यांक 50 किलोग्राम है। यदि मशीन का पाठ्यांक 40 किलोग्राम हो जाए तो लिफ्ट जो है किस अवस्था में होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ऊपर की ओर एक नियत वेग में, सेकेंड है नीचे की ओर एक नियत वेग में, थर्ड ऑप्शन है नीचे की ओर त्वरण, एंड लास्ट ऑप्शन है ऊपर की ओर त्वरण। तो लिफ्ट जो है नीचे की ओर त्वरण जो है लगाएगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, पृथ्वी की त्रिज्या आधी हो जाए तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो दिन क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है 24 घंटे का, सेकेंड है 12 घंटे का, थर्ड 6 घंटा, एंड लास्ट ऑप्शन है 4 घंटा। यदि पृथ्वी की त्रिज्या आधी कर दे रहे हैं और उसका द्रव्यमान नहीं बदल रहा है तो दिन जो होगा वह 6 घंटे का होगा। ऑप्शन सी जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है, एक लघु उपग्रह पृथ्वी के निकट चक्कर काट रहा है, इसका कक्षीय वेग क्या होगा लगभग। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा यहाँ पे 8 किलोमीटर सेकेंड इनवर्स। अगला प्रश्न, यदि चंद्रमा पृथ्वी के वर्तमान दूरी की आधी दूरी पर चक्कर लगाता है तो चंद्रमास लूनर मंथ की अवधि क्या होगी लगभग। फर्स्ट ऑप्शन है 10 दिनों की, सेकेंड 14 दिनों की, थर्ड 28 दिनों की, एंड लास्ट ऑप्शन है 56 दिनों की। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला 10 दिनों की। अगला प्रश्न, भू स्थिर उपग्रह की कक्षा की त्रिज्या हो तो उस उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा जिसकी कक्षीय त्रिज्या 7/4 है। फर्स्ट ऑप्शन है 6 घंटा, सेकेंड है 12 घंटा, थर्ड है 3 घंटा, एंड लास्ट ऑप्शन दिया है 9 घंटा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला 3 घंटा। अगला प्रश्न है, स्मालियम तथा फोर स्मालियम द्रव्यमान के दो गोलों के केंद्र के बीच की दूरी है। इस रेखा के उस बिंदु पर जहाँ तीव्रता शून्य हो वृत्तीय विभव कैपिटल बी का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है -4gm अपान स्मॉल आर, सेकेंड है -6gm अपान आर, थर्ड है -9gm अपान आर, एंड लास्ट ऑप्शन है शून्य। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी वाला -9gm अपान आर। अगला प्रश्न, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या बताता है। फर्स्ट ऑप्शन है सौर को, सेकेंड है केवल उपग्रह की गति के संचालन में काम आता है, थर्ड है ग्रह व उपग्रह की घूर्णन गति को नियंत्रित करता है, एंड लास्ट ऑप्शन है अणु में इलेक्ट्रॉन की घूर्णन गति को नियंत्रित करता है। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम जो ग्रह व उपग्रह की घूर्णन गति को नियंत्रित करता है। ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, स्मॉल डी दूरी पर स्थित
दो द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल 6 न्यूटन है, तब उनके बीच बल हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है 1 न्यूटन, सेकेंड है 1/6 न्यूटन, थर्ड है 36 न्यूटन एंड लास्ट ऑप्शन है 6 न्यूटन। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला 6 न्यूटन। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन में दोनों वस्तुओं के पदार्थ की प्रकृति पर, सेकेंड है दोनों वस्तुओं के ऊष्मा नियतांक पर, थर्ड है दोनों वस्तुओं के त्वरण पर एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी वाला इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। अगला प्रश्न है समुद्र में उठने वाली ज्वारीय धाराएं मुख्यतः किसके कारण होती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पृथ्वी पर सूर्य के गुरुत्वीय प्रभाव से, सेकेंड है पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव से, थर्ड है पृथ्वी के घूर्णन के कारण एंड लास्ट ऑप्शन है पृथ्वी पर स्वयं के वायुमंडलीय प्रभाव से। सो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला पृथ्वी पर चंद्रमा के गुरुत्वीय प्रभाव से। अगला प्रश्न है अंतरिक्षयान द्वारा पृथ्वी से चंद्रमा और फिर चंद्रमा से पृथ्वी की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन की खपत होगी। फर्स्ट ऑप्शन है वापसी यात्रा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, सेकेंड है जाते समय यात्रा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध, थर्ड है चंद्रमा पर पहुंचने पर चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एंड लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी वाला जाते समय यात्रा में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी व चंद्रमा के केंद्रों के मध्य दूरी कैपिटल डी और पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा के द्रव्यमान का 81 गुना है, तो पृथ्वी के केंद्र से कितनी दूरी पर गुरुत्वीय क्षेत्र का मान 0 होगा। फर्स्ट ऑप्शन है d/2, सेकेंड 2d/3, थर्ड है 4d/2 एंड लास्ट ऑप्शन 9d/2। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला 9d/2। अगला प्रश्न है पृथ्वी का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल भी से परिक्रमा कर रहा है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक खत्म हो जाता है तो उपग्रह क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन है बाह्य अंतरिक्ष में चला जाएगा, सेकेंड अपनी पूर्व कक्षा में वेग से पहले की भांति गति करेगा, थर्ड ऑप्शन है बढ़ते हुए वेग से नीचे जाएगा एंड लास्ट ऑप्शन है स्पर्श रेखी दिशा में वेग से उड़ता हुआ कक्ष से बाहर चला जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला स्पर्श रेखी दिशा में वेग से उड़ता हुआ कक्ष से बाहर चला जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी के धरातल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान निर्भर करता है। फर्स्ट ऑप्शन है सिर्फ पृथ्वी की बनावट पर, थर्ड है पृथ्वी, सेकेंड है सिर्फ पृथ्वी की घूर्णन गति पर, थर्ड ऑप्शन उपरोक्त दोनों पर एंड लास्ट ऑप्शन उपरोक्त में से किसी पर नहीं तथा सभी स्थानों पर समान रहता है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला उपरोक्त दोनों पर पृथ्वी की बनावट पर और पृथ्वी की घूर्णन गति पर, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है उपरोक्त दोनों पर। अगला प्रश्न है किसी ग्रह पर गुरुत्वीय त्वरण 1.96 m/s² है, तो 2 मीटर की ऊंचाई से कूदना सुरक्षित है तो ग्रह पर संगत सुरक्षित ऊंचाई होगी। फर्स्ट ऑप्शन है 5 मीटर, सेकेंड है 2 मीटर, थर्ड है 10 मीटर एंड लास्ट ऑप्शन है 20 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला है यहाँ पे 10 मीटर। अगला प्रश्न है यदि पृथ्वी अचानक घूर्णन करना बंद कर दे तो ध्रुवों पोल के अलावा अन्य स्थान पर स्मॉल जी का मान क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन घटेगा, सेकेंड है नियत रहेगा, थर्ड है बढ़ेगा एंड लास्ट ऑप्शन यहाँ पे दिया है बढ़ना या घटना सूर्य के चारों ओर की कक्षा में पृथ्वी की स्थिति पर निर्भर करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी वाला बढ़ेगा। तो डियर स्टूडेंट अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल मेडिकल पर्सनल, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो इन आवर व्हाट्सएप ग्रुप विद आवर क्लासमेट्स एंड फॉर मोर अपडेट प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।